अमित शाह आज भारत के गृह मंत्री हैं और पी चिदम्बरम सिर्फ कांग्रेस के एक सांसद। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर इस समय गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सीबीआई और ईडी की टीम मंगलवार से ही चिदम्बरम के घर के चक्कर काट रही है और उनकी तलाश की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से चिदम्बरम गायब हैं और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। एक समय था जब चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे और उन्हीं के आदेश से तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह को जेल जाना पड़ा था। ये समय का फेर है या यूं कहें कर्मों का फल। आज चिदम्बरम को भी उसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है जिस स्थिति से अमित शाह को गुजरना पड़ा। चिदम्बरम पर आरोप है कि उन्होंने यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए टेलीविजन कंपनी आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी एफआईपीबी से गैरकानूनी तौर पर मंजूरी दिलवाई थी, जिससे आईएनएक्स मीडिया ने साल 2007 में करीब 305 करोड़ का विदेशी निवेश हासिल किया था। चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम पर भी रिश्वत लेने का आरोप है। चिदम्बरम पर हो रही है बदले की कार्रवाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए कहा, श्री चिदम्बरम के चरित्र हनन के लिए मोदी सरकार ईडी सीबीआई और मीडिया के एक डरपोक वर्ग का इस्तेमाल कर रही है। मैं सत्ता के इस घटिया दुरुपयोग की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी चिदम्बरम के पक्ष में ट्वीट करते हुए कहा, राज्यसभा के एक अत्यंत योग्य और सम्मानित सदस्य चिदम्बरम जी ने वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में दशकों तक निष्ठा के साथ हमारे देश की सेवा की है। वो बिना डर के सच बोलते हैं और इस सरकार की नाकामियों को उजागर करते हैं, लेकिन सच कायरों के लिए असुविधाजनक होता है, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। हम उनके साथ खड़े हैं और सच्चाई के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी परिणाम हो। जब अमित शाह हुए थे गिरफ्तार, 25 जुलाई 2010 में जब केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी और पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, तो उन्हीं के आदेश पर सीबीआई की टीम ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई का आरोप था कि गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने क्रिमिनल सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके दोस्त तुलसी राम प्रजापति के एनकाउंटर के आदेश दिए थे। अमित शाह पर हत्या, जबरन वसूली और अपहरण का आरोप लगाया गया। 3 महीने तक मुंबई की जेल में बंद रहने के बाद 29 अक्टूबर 2010 को अमित शाह को जमानत मिली, लेकिन उन पर गुजरात में एंट्री करने पर पाबंदी लगा दी गई। साल 2010 से 2012 तक उन पर ये पाबंदी लगी रही। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात जाने की इजाजत दी। कई सालों तक सीबीआई उनके खिलाफ लगे आरोपों को सच साबित नहीं कर पाई और आखिरकार 30 दिसंबर 2014 को सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। पी चिदम्बरम के अलावा उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट।